Now, in this video, we will study about the lecture 4, class 12th, chemistry, chapter number 5th. Hamara chapter 5th start hai. Chapter ka naam hamara surface chemistry. Chapter kya hai hamara? Surface chemistry. Aur uske andar topic kya hai hamara? Colloidal state. Colloidal state ke baare mein Thomas Graham naam ke ek scientist the jinhone study kiya tha colloidal state of a matter. Kisne study kiya tha iske baare mein? Thomas Graham ne in 1861 में Thomas Graham ने क्या किया था colloidal state of a matter एक matter की जो colloidal state का नाम जो रखा था colloidal जो एक नई state का नाम रखा था क्योंकि colloidal is not a chemical substance colloidal कोई chemical substance नहीं है ये एक state है ये एक physical state है किसी substance की जिसका नाम रखा गया था colloidal state और इसके बारे में जो study किया था किसने किया था भाई Thomas Graham ने किसने study किया था Thomas Graham ने in 1861 he observed that some solute कुछ सॉल्यूट थे जस्ट लाइक स्टार्च ग्लू जिलेटिन उसने क्या चेक आउट किया कि कुछ सॉल्यूशन हमारे पास जो स्टार्च ग्लू जिलेटिन एटसेट्रा कुड नॉट पास थ्रू द परसमेंट मेम्ब्रेन ये परसमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं हुए लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी सॉल्यूट पार्टिकल थे लाइक सच एज सोडियम क्लोराइड यूरिया शुगर ये तो परसमेंट पेपर से पास नहीं हुए ये डू नॉट पास द परचमेंट पेपर ये परचमेंट पेपर से यानी उस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाए परचमेंट पेपर से मेम्ब्रेन से बट अदर सॉल्यूशन लाइक NaCl सोडियम क्लोराइड यूरिया सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन इस प्रकार के जो सिंपल सॉल्यूशन थे ऑर्डिनरी थे जो हमारे कॉमन साल्ट सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन ये आसानी से क्या हो गए थे पास ये पास हो गए थे किसमें से परचमेंट पेपर में से परचमेंट पेपर में से तो उसने इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए कि जो हमारे सॉल्यूशन है जस्ट लाइक स्टार्च ग्लू जिलेटिन ये पास नहीं हुए उस परचमेंट मेम्ब्रेन में से और कुछ ऑर्डिनरी सिंपल सॉल्यूशन थे लाइक NaCl यूरिया और शुगर ये पास हो गए थे तो इस आधार पे ना इस उसने थॉमस ग्राम ने इन मैटर को डिवाइड किया कर दिया दो पार्ट के अंदर जो ये वाली स्टेट थी ना इन वाले स्टेट का जो पहले वाली जो स्टेट थी इनका नाम उसने रख दिया कोलाइडल स्टेट क्या रख दिया कोलाइडल स्टेट यानी कोलाइडल पार्टिकल्स क्या नाम रख दिया इनका कोलाइडल पार्टिकल्स है भैया और दूसरे वाले जो सॉल्यूशन थे हमारे उनका नाम रख दिया क्रिस्टलॉइड और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स क्लियर ना तो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल कैसे पार्टिकल थे विच कैन इजीली पास थ्रू द परसमेंट पेपर और मेम्ब्रेन बट कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल पार्टिकल दे डू नॉट पास थ्रू द परसमेंट पेपर और मेम्ब्रेन कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से रखे गए हमारे में स्टार्च सॉल्यूशन ग्लू जिलेटिन एटसेट्रा जो पास नहीं हुए थे मेम्ब्रेन में से और जो NaCl यूरिया या शुगर सॉल्यूशन थे जो पास हो गए थे वो किसमें रखे गए क्रिस्टलॉइड स्टेट के अंदर और इसके बारे में ऑब्जर्व किया था थॉमस ग्राम ने और कौन से ईयर में ऑब्जर्व किया था भाई 1861 के अंदर और जो ये जो वर्ड उसने उठाया था कोलाइडल ये एक ग्रीक लेटर में से उठाया था ग्रीक जो वर्ड था ना ग्रीक वर्ड नाम था जिसका कोला कोला जिसका मीनिंग होता है ग्लू क्या मीनिंग होता है भाई ग्लू एक ग्रीक लेटर है हमारा कोला और उसमें से जो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है ग्लू वहां से उठाया था ये वर्ड कौन सा कोलाइडल वर्ड कहां से कौन सा भाई कोलाइडल वर्ड तो कोलाइडल क्या होता है कोलाइडल इज नॉट ए सबस्टांस बट इट इज द स्टेट ऑफ सबस्टांस यानी कोलाइडल एक सबस्टांस नहीं है सॉरी स्टार्ट करते भैया हम पढ़ रहे थे कोलाइडल स्टेट ऑफ ए सबस्टांस किसी बारे में पढ़ रहे भाई कोलाइडल स्टेट ऑफ ए सबस्टांस तो थॉमस ग्राम ने ये बताया कि कोलाइडल इज नॉट ए केमिकल सबस्टांस इट इज अ स्टेट ऑफ ए सबस्टांस एक सबस्टांस ही स्टेट है विच डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज दोबारा ध्यान दे एक्चुअल में व्हाट इज द कोलाइडल कोलाइडल का मीनिंग क्या होता है आपके कोलाइडल का मीनिंग उदाहरण है व्हाट डू यू मीन बाय कोलाइडल कोलाइड इज नॉट ए सबस्टांस जो वर्ड निकाला उसने कोलाइड 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 क्या होता है कोलाइड इज नॉट ए केमिकल सब्सटेंस कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है बल्कि किसी केमिकल सब्सटेंस की एक स्टेट है जो डिपेंड करते हैं उनके मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर यानी इट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज दोबारा ध्यान दें कोलाइड इज नॉट ए केमिकल सब्सटेंस और सब्सटेंस बट इट इज ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इट इज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज जो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई मॉलिक्यूलर
साइज के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द मोलिकुलर साइज भाई। नाउ इसी के आधार पे हमारे जो सॉल्यूशन के हैं वो तीन टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं भाई? तीन। थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर मेनली द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हमारे तीन प्रकार हैं। पहला जो सॉल्यूशन होता है भाई वो हमारे क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है भाई हमारा, सस्पेंशंस। क्या भाई हमारा? सस्पेंशंस। और तीसरे वाला क्या होता है भाई हमारा, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारे जो सॉल्यूशन के हैं वो तीन टाइप है, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले वाले का नाम रखा गया ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे वाले का नाम रखा गया सस्पेंशन, और तीसरे वाले का नाम रखा गया कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्लियर? हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, फर्स्ट वन हमारा क्या भाई हमारा, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन किसकी बात कर रहे हैं भाई? ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। यानी इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन विच कंटेन स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स थ्रू आउट ए सोलवेंट। यानी ये क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन विच कंटेन वेरी स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं आपके आयंस, विच डिस्पर्स थ्रू आउट ए सोलवेंट। जो एक सोलवेंट में पूरी रूप से क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं वो हमारे? ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स, या इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स। दोबारा ध्यान दें, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होते हैं? इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन विच कंटेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक सच एज मॉलिक्यूल्स और आयंस डिस्पर्स थ्रू आउट द, जो डिस्पर्स है थ्रू आउट द सोलवेंट, जो सोलवेंट में क्या है? कंप्लीटली पूर्ण रूप से क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं। क्या कहलाता है? ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है? लेस देन वन नैनोमीटर। द साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल क्या होता है? लेस देन वन नैनोमीटर। वन नैनोमीटर आपको पता है द वैल्यू ऑफ वन नैनोमीटर कितनी होती है? 10^-9 meters, 10^-9 meters। द वैल्यू ऑफ वन नैनोमीटर क्या होता है भाई? 10^-9 meters। क्लियर? ये भाई हमारी क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। इसको आप एंगस्ट्रोम में बोलना चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो, 10 angstrom, क्योंकि एक एंगस्ट्रोम में कितने होते हैं? 10^-10 एंगस्ट्रोम। 1 angstrom इज इक्वल टू 10^-10 meters। तो इनका जो साइज होता है ना क्या होता है? लेस देन 1 nanometer। किनका साइज भाई? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का है, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल का। देयर साइज इज लेस देन 1 nanometer, या 1 nanometer के लिए कहते हैं 10^-9 meters, या इट इज आल्सो इक्वल टू 10 angstrom। क्लियर ना? सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज 1000 picometer। 1000 picometer भी बोल सकते हो आप इसको, कि लेस देन 1000 picometer, क्योंकि एक पिकोमीटर में कितने होते हैं? 10^-12 meters। 1 picometer में कहते होते हैं 10^-12। क्लियर? ये बात कर रहे थे भाई हम ट्रू सॉल्यूशन, पहले वाले हमारे जी थे ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा क्या भाई हमारा? सस्पेंशंस। यानी सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन स्मॉल इनसोल्युबल पार्टिकल्स। ये क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पहले वाला क्या था? ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस था, जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल जो के मॉलिक्यूल्स और आयंस थे ना, वो एक डिस्पर्स थे कंप्लीटली किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व इन टू द सोलवेंट। इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते। किसके अंदर नहीं डिजोल्व होते भाई? सोलवेंट के अंदर। दोबारा ध्यान देने, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए गिवन सोलवेंट। यानी इनसोल्यूबल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो किस में डले हुए होते हैं? कि सोलवेंट के अंदर। क्या कहलाता है वो भाई हमारा? सस्पेंशन। और पार्टिकल क्या होते हैं हमारे? हेट्रोजीनियस इन नेचर, यानी जो सोल्यूशन नेचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस। और इसके अंदर पार्टिकल का साइज होता है ग्रेटर देन 1000 nanometer। क्या होता है? ग्रेटर देन 1000 nanometer, लार्जर देन, लार्जर बोल दो चाहे आप, लार्जर देन 1000 nanometer। यानी पार्टिकल का साइज 1000 nanometer से क्या होता है? बड़ा होता है। या आप इसको क्या बोल सकते हो? 10,000 angstrom भी बोल सकते हो। एक एंगस्ट्रोम में कितने होते हैं भाई? 10^-10 meters। या आप इसको बोल सकते हो 10^-6
पीकोमीटर भी बोल सकते हो इन पीकोमीटर में, क्योंकि एक एंगस्ट्रोम में होते हैं 10^-10 मीटर और एक पीकोमीटर में होते हैं 10^-12 मीटर। क्लियर। और नैनोमीटर में मैंने बताया था आपको 10^-9। तो सस्पेंसिव पार्टिकल कहते हैं इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन स्मॉल इनसोल्युबल पार्टिकल्स विच आर एडेड या डिजोल्व इनटू ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो एक सॉल्वेंट में घोले गए हैं और इनसोल्युबल पार्टिकल होते हैं क्योंकि ये उसमें अच्छी तरह से घुल नहीं पाते। क्लियर ना। और हेट्रोजीनियस ही नहीं नेचर होता है, यानी इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होता ही नहीं। और इसके पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन होता है 1000 नैनोमीटर से। क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बात करें हम थर्ड वन की, कोलाइडल सॉल्यूशन की। भाई कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन विच कंटेन पार्टिकल ऑफ इंटरमीडिएट साइज। ये भी हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है, यानी कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है, जो कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर होती है, वो भी हेट्रोजीनियस इन नेचर होती है। क्लियर ना। लेकिन इनके पार्टिकल्स का साइज इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट साइज यानी इनके पार्टिकल का साइज बीच का होता है। किसके बीच का भाई, आपके जो पहले वाले थे ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, यानी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच का साइज होता है। किसका साइज होता है, वो कोलाइडल के पार्टिकल का साइज होता है। दोबारा ध्यान दे, यानी ये कहता है इट इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द अनडिजोल्वेबल सॉल्यूट पार्टिकल्स या इनसॉल्युबल सॉल्यूट पार्टिकल्स कंटेन इंटरमीडिएट साइज बिटवीन द, किसके बीच का होता है भाई, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। क्लियर। यानी इनका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का, क्योंकि सस्पेंशन का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा, ट्रू सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा। तो इनका साइज क्या होता है, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। या आप इसको क्या बोल सकते हो, 10 angstrom to 10,000 angstrom के बीच का। क्लियर ना। या आप इसको क्या बोल सकते हो भाई, 10^3 picometer से लेकर 10^6 picometer के बीच का। क्लियर। ये क्या होता है, साइज होता है कोलाइडल का, यानी इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन द इनसोल्युबल पार्टिकल्स। क्लियर ना। विच कंटेन द पार्टिकल्स हुज साइज इज एग्जिस्ट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड ए सस्पेंशन सॉल्यूशन, नोन एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। और पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का। चलिए मैं इनको डायग्राम से आपको समझाता हूं। डायग्राम से मान लिया, ये हमारे पास एक कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर ले लिया हमने, उसके हमने तीन पोर्शन बना दिए अलग अलग, 1, 2, 3। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर किसके पार्टिकल है, हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं। इसके अंदर हमारे पास किसके पार्टिकल है भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं। और इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल वो किसके हैं भाई, सस्पेंशंस के हैं। किसके हैं भाई, सस्पेंशंस। क्लियर। इस प्रकार से हमने तीन पार्टिकल के साइज ले लिए। मान लिया इसमें हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या भाई, कोलाइडल के हैं। और इसके अंदर हमारे पास किस चीज़ के हैं भाई, किसके हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये सस्पेंशन। यानी इनका साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और इनका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, और इनका क्या होता है, बीच का होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का। क्लियर ना। इनका लेस देन, इनका ग्रेटर देन, और इनका जाता है इंटरमीडिएट साइज बिटवीन द मेट, ये अपना ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। क्लियर। ये हमारा था भाई फिगर, किसका भाई, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तीनों टाइप के सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिए। चलिए अब इनको वन बाय वन कंपैरिजन करते हैं, कि कंपैरिजन बिटवीन द सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। इनके प्रॉपर्टी के आधार पे इनको क्लासीफाई करूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के आधार पे इनके अंदर क्या क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस इनके बीच में। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्या स्टार्ट करें भाई हम, कंपैरिजन
between true solution, suspension solution, suspensions, and colloidal solution, and colloidal solution. इनका हमें क्या करना है भाई, कंपैरिजन, यानी इस टॉपिक को हम आगे स्टडी करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी के आधार पे भाई स्टडी करेंगे सस्पेंशन को, ट्रू सॉल्यूशन को और कोलाइडल को क्या करेंगे, कंपेरिट करवाएंगे, क्लियर ना, किन के आधार पे, इनकी प्रॉपर्टी के आधार पे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. पहला भाई फर्स्ट वन किसके आधार पे क्लासीफाई करते हैं इनको, इनके नेचर के आधार पे. फर्स्टली वी विल क्लासीफाई देयर नेचर. हमने पढ़ा भाई सस्पेंशन का नेचर कैसा होता है, एट्रोजीनियस नेचर, कोलाइडल सॉल्यूशन का एट्रोजीनियस नेचर, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर. कैसा नेचर होता है भाई, होमोजीनियस नेचर. दोबारा ध्यान दे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमें पता है सस्पेंशन जो पार्टिकल होते हैं, सस्पेंशन जो पार्टिकल होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, और कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर ऑल्सो एट्रोजीनियस इन नेचर, एंड थर्ड वन जो है ट्रू सॉल्यूशन दे आर होमोजीनियस इन नेचर. फर्स्ट वन भाई हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस. सेकंड पॉइंट भाई पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज के आधार पर, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल साइज, ये भी हम पढ़ चुके हैं पार्टिकल के साइज के बारे में. हमें पता है भाई जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन वन नैनोमीटर, द साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल लेस देन वन नैनोमीटर. सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है. एंड थर्ड वन जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल थे, देयर साइज एग्जिस्ट बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, क्योंकि इनके साइज जो कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल का साइज बीच का होता है, किसका भाई, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन. क्लियर सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट भाई सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेपरेशन, सेपरेशन के आधार पे, सेपरेशन क्या होता है भाई, जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं ना, ये इतने बड़े पार्टिकल होते हैं, ना ही तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होते हैं, ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास होते हैं, ना ही किसी मेम्ब्रेन से, यानी सस्पेंशन पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर और एनी मेम्ब्रेन, चाहे वो एनिमल मेम्ब्रेन हो चाहे वो वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो. क्लियर, ये था हमारा क्या था भाई, सेपरेशन सस्पेंशन का. दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलाइडल के सॉल्यूशन होते हैं ना, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास होते हैं, दे कैन इजिली पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन. यानी जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं ये है ना, सिंपल जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है उससे तो पास जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर या आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो चाहे एनिमल मेम्ब्रेन हो, उससे पास नहीं होते. फिर क्या था, ट्रू सॉल्यूशन, दे कैन पास थ्रू बोथ ऑफ देम, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास होते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास होते हैं और साथ साथ मेम्ब्रेन के अंदर से ही पास होते हैं. क्लियर, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल कैन इजीली पास थ्रू एनीथिंग, चाहे वो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हो, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो, चाहे मेम्ब्रेन हो. क्लियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेटिंग, इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल की सेटिंग. हमें पता है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, दे डू नॉट सेटल, वो सेटल नहीं होते, दे डू नॉट सेटल. क्लियर, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल सेटल नहीं होते, बिकॉज दे कंप्लीटली मिक्स इन टू द सोलवेंट, दे डू नॉट सेटल. लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल दे विल इजिली सेटल डाउन, क्योंकि वो घुलते तो हैं, अनसोल्यूबल पार्टिकल है, दे विल सेटल डाउन इन टू द लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर या वेसल या बीकर, उस बीकर कंटेनर या वेसल के सबसे निचले पार्ट में क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो दे विल सेटल डाउन, ये बहुत जल्दी सेटल डाउन होते हैं. लेकिन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल डू नॉट सेटल, और कोलाइडल पार्टिकल सेटल होते हैं बट स्लोली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. क्लियर ना, सेटल होते हैं लेकिन धीरे धीरे, स्लोली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा दे विल सेटल डाउन, बट दे विल टेक सम टाइम. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भाई ई, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल है ना, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई एज वेल एज विद द माइक्रोस्कोप. यानी जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल है ना, ना तो आपको नेकेड इन खुली आंखों से दिखाई देंगे और ना ही माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देंगे. बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल है ना, दे कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई से ये भी नहीं दिखाई देंगे, बट दे कैन बी इजीली सीन बाय द माइक्रोस्कोप. आप इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो. दोबारा ध्यान दे, ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल है ना, वो ना तो नेकेड आई से दिखाई देते हैं ना ही माइक्रोस्कोप के द्वारा, बट सस्पे जो सॉरी कोलाइडल सॉल्यूशन,
दे डू नॉट सीन बाय नेकेड आई, ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, बट दे कैन बी इजिली सीन बाय माइक्रोस्कोप, आप इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। थर्ड क्या था भाई, सस्पेंशन, दे कैन बी इजिली सीन बाय नेकेड आई एज वेल एज माइक्रोस्कोप, आप इनको इजिली देख सकते हो, दे आर विजिबल इन नेचर, क्लियर ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भाई, अपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या होता है भाई, हमें पता है इनको हम किसी चीज के द्वारा नहीं देखते, किसको, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, किसी से भी नहीं देखते। लेकिन कोलाइडर सॉल्यूशन के पार्टिकल बताए थे मैंने, नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देते, बट दे कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्लियर। और जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं, दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई और बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्लियर ना, ये हम पढ़ चुके थे। अब अपीयरेंस का मतलब है इनका जो दिखाई देना होता है, कैसे दिखाई देते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं अपीयरेंस में, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जो कोलाइडल होते हैं जनरली ट्रांसपेरेंट लगते हैं, नहीं मतलब एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होते नहीं, लेकिन लगते हैं, थोड़ा थोड़ा फील होते हैं, इनको आप ट्रांसल्यूसेंट बोल सकते हो, ट्रांसल्यूसेंट। और जो हमारे ये होते हैं सस्पेंशन, दे आर ओपेक्यू इन नेचर, क्लियर। यानी अपीयरेंस के अंदर एक तो क्या हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ क्या भाई हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरी तो क्या है सस्पेंशन भाई, सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आर पार देख सकते हैं हम, ये क्या होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, यानी आपको ट्रांसपेरेंट फील होता है लेकिन एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट नहीं होते। और सस्पेंशन क्या होते हैं ओपेक्यू इन नेचर, ओपेक्यू, क्लियर। इनके आप कुछ भी नहीं देखते आर पार, क्लियर। तो ये अपीयरेंस होती है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट, ये क्या होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, और सस्पेंशन क्या होते हैं वही ओपेक्यू, क्लियर। फिर आता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट ये आपको आगे प्रॉपर्टी दूंगा मैम, ये अभी आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन पढ़ लो, क्या किसका मैं रहे हैं कि कौन क्या शो कर रहा है या नहीं। आगे जो ये इफेक्ट ना मैं कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करूंगा, हमारे चैप्टर के अंदर सारे इफेक्ट हैं। टिंडल इफेक्ट की बात करें, टिंडल इफेक्ट, टिंडल ने बताया था, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, इट डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लाइट पास करते हो तो लाइट स्कैटर नहीं होती। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लाइट पास करते हो, इट विल नॉट स्कैटर, क्लियर ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो इट विल नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, क्लियर। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, दे विल शो द टिंडल इफेक्ट, क्या होता है टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो डिफ्यूजन ट्रू सॉल्यूशन क्या होती है रैपिडली, बहुत तेजी से, डिफ्यूजन इज रैपिडली, इसके अंदर डिफ्यूजन होती है कोलाइडल के अंदर लेकिन स्लोली, और इसके अंदर नो डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूज होता ही नहीं, क्लियर ना, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सोल्यूट एंड सोलेंट पार्टिकल इंटरमिक्स इन टू ईच अदर until equilibrium is not attained। आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन में बताई थी, दोबारा बता देता हूं, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इट इज अ प्रोसेस इन विच सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल इंटरमिक्स इन टू ईच अदर अनटिल द इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेंड, यानी इनके पार्टिकल सोल्यूट और सोलवेंट में जब तक मिलते रहेंगे, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल जब तक आपस में मिलते रहेंगे, जब तक कि ये इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर ले। तो डिफ्यूजन ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है रैपिडली, बहुत तेजी से, इनमें क्या होता है स्लोली, धीरे धीरे, इनमें नो डिफ्यूजन, क्लियर। लास्ट पॉइंट भाई हमारा ब्राउनियन मूवमेंट, ये भी आगे बताऊंगा मैं, ब्राउनियन मूवमेंट, अभी ये हमें पढ़ना है कि ब्राउनियन मूवमेंट कौन सा शो करता है, कौन सा शो नहीं करता, क्लियर ना। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो होते हैं सस्पेंशन और कोलाइडल के पार्टिकल तो शो करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स और सस्पेंशन पार्टिकल्स शो द ब्राउनियन मूवमेंट, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल डू नॉट शो द ब्राउनियन मूवमेंट, यानी इसके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन देर इज नो ब्राउनियन मूवमेंट, लेकिन कोलाइडल एंड सस्पेंशन पार्टिकल शो द ब्राउनियन मूवमेंट। कई बार सस्पेंशन पार्टिकल शो कर भी देते हैं, कई बार नहीं भी, लेकिन हम क्या काउंट करते हैं इनको शो में, और कोलाइडल सॉल्यूशन ऑलवेज शो द ब्राउनियन मूवमेंट, ये तो ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते ही करते हैं, क्लियर भाई। ये था भाई हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, फेज के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, तो हम पढ़ते हैं भाई फेजेस ऑफ कोलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं पहले।
कोलाइड्स के फेज क्या होते हैं, फेजेस ऑफ कोलाइड्स। दो फेज होते हैं भाई, एक तो क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और एक क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। जैसे आपको पता होगा हमारा जो एक सॉल्यूशन होता है उसके लिए दो पार्टिकल होते हैं, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। इसी प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स जो फेज होता है ना वो काम करता है सॉल्यूट का, और डिस्पर्सन मीडियम काम करता है सॉल्वेंट का। दोबारा ध्यान दें, इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो डिस्पर्स फेज होता है ना, जो डिस्पर्स फेज होता है इट एक्ट एज द, ये किसी तरह काम करता है भाई हमारा सॉल्यूट, किसी तरह काम करता है भाई हमारा सॉल्यूट की तरह, ठीक है। और डिस्पर्सन मीडियम एक्ट एज द सॉल्वेंट, किसी तरह काम करता है सॉल्वेंट की तरह, क्लियर। ये आपका सॉल्यूट की तरह है और ये सॉल्वेंट की तरह है, डिस्पर्स फेज एक्ट एज ए सॉल्यूट, डिस्पर्सन मीडियम एक्ट एज ए सॉल्वेंट। अब इनकी डेफिनेशन भी बिल्कुल आसान है इन दोनों फेजेस की। पहला क्या भाई हमारा डिस्पर्स फेज, पहला टॉपिक क्या भाई इसके अंदर हमारा डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं लेस अमाउंट में, ऐसे ही इट इज अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल प्रोपोर्शन, इट जस्ट लाइक ए सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यानी डिस्पर्स फेज क्या होता है, एक सॉल्यूट की तरह होता है विच इज प्रेजेंट इन टू द स्मॉल अमाउंट इन ए सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। दूसरा क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, इट बिहेव लाइक द सॉल्वेंट और इट इज जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट जस्ट लाइक द सॉल्वेंट। यानी डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, इट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट लाइक एज ए सॉल्वेंट, क्या कहलाता है हमारा डिस्पर्सन मीडियम। चलिए हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर। क्लियर भाई, हमारे पास ये कोई कंटेनर है, ये जो पार्टिकल हमारे क्या है भाई डिस्पर्स्ड फेज हैं, जो किसके भाई सिल्वर के हैं, ये क्या है डिस्पर्सन मीडियम, हमारा डिस्पर्सन मीडियम है जो आपका किसका है वाटर। इस प्रकार से तो इट इज द एग्जांपल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर। एक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की हमने सिल्वर की, किसके अंदर भाई वाटर के अंदर, जिसमें सिल्वर के पार्टिकल डिजोल्व है किसमें वाटर के अंदर। तो सिल्वर पार्टिकल क्या है डिस्पर्स फेज और वाटर क्या डिस्पर्सन मीडियम, तो इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, किसकी बात करें भाई क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल, कोलाइड्स पार्टिकल का क्लासिफिकेशन पहला क्या भाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम भाई, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन था वो डिवाइड किया गया था नो पार्ट के अंदर, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, किसकी फिजिकल स्टेट वही डिस्पर्स फेज की और डिस्पर्सन मीडियम ही की, वही यानी वही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, उसके आधार पे है ना जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको डिवाइड किया गया था आठ टाइप में। नो टाइप नहीं होती, गैस इन गैस कोई एग्जाम्पल नहीं होता, रीजन होता है जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है वो गैस का काम नहीं कर सकता, क्लियर ना, किस केस में गैस इन गैस के केस में, अदरवाइज सॉलिड इन गैस हो सकता है लिक्विड इन गैस होता है लेकिन गैस इन गैस नहीं हो सकता, क्लियर ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी भाई टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। कितने टाइप का भाई हमारा
आठ टाइप का, कितना है, एट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, एट टाइप्स का होता है कोलाइडल सोल्यूशन ऑन द बेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट, यानी वो सॉलिड है या लिक्विड है उसके आधार पे, क्लियर ना। तो हम बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे एक हेडिंग बना लो सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका डिस्पर्स फेज, यहाँ पे आपका डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ का आपका टाइप्स ऑफ कोलाइड, यानी आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपका एग्जांपल। क्लियर भाई, कितने टाइप का भाई हमारा, आठ टाइप का। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्स फेज क्या भाई हमारा, मान लिया सॉलिड इन सॉलिड, यानी डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा होगा भाई हमारा, सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा आपके, एलॉयज, हम पढ़ चुके हैं एलॉयज, या कलर्ड ग्लासेज, एलॉयज कलर्ड ग्लासेज होते हैं, जैम स्टोन्स या रूबी ग्लास, जो रूबी ग्लास होता है ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। दोबारा ध्यान दें, पहला जो कोलाइडल सॉल्यूशन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पे, तो फिजिकल स्टेट क्या है, दोनों की स्टेट क्या है, सॉलिड है, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या होंगे, अलॉयज हैं, कलर्ड ग्लासेज हैं, जैम स्टोन्स हैं, या रूबी ग्लास जो होते हैं, रूबी ग्लास, वो सारे एग्जांपल हैं। अगली बार डिस्पर्स फेज तो सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या आपका, लिक्विड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, नेम है सॉल्यूशन। और इसके एग्जांपल क्या है हमारे, पेंट, पेंट है, स्टार्च है, स्टार्च डिस्पर्स इन वाटर है, या गोल्ड सॉल्यूशन है इस प्रकार से, या सेल फ्लूइड्स हैं, क्लियर ना। इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है मोस्टली क्या होते हैं, पेंट, यानी लिक्विड के अंदर क्या घोला गया है, सॉलिड घोला गया है। तो एग्जांपल क्या होंगे, पेंट होगा, सेल फ्लूइड होंगी, स्टार्च डिस्पर्स इन वाटर है, या गोल्ड सॉल्यूशन है, गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड किसमें होता है, एक्वा रिजिया के अंदर घुलता है ना, इस प्रकार से, तो सॉलिड इन लिक्विड, क्लियर। और नाम क्या है, सॉल्यूशन। थर्ड वन, सॉलिड इन गैस, सॉलिड किसके अंदर भाई, गैस के अंदर, तो गैस के सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, एरोसोल, क्या बोलते हैं, एरोसोल, यानी एयर का सॉल्यूशन क्या होता है, एरोसोल। इसके एग्जांपल क्या होंगे भाई, जैसे स्मोक पार्टिकल्स, सॉलिड इन गैस स्मोक पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, या स्टॉर्म है, तूफान है, इस प्रकार से, क्लियर। तो सॉलिड इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स फेज, गैस डिस्पर्सन मीडियम, यानी सॉलिड गैस के अंदर क्या है, एरोसोल कहलाएगा सॉल्यूशन हमारा। और एग्जांपल क्या होंगे हमारे, स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, या स्टॉर्म वगैरह, तूफान वगैरह जो होते हैं ना, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट वन चेंज करते हैं, यहाँ से लिक्विड लेते हैं, तो लिक्विड किसके अंदर भाई, सॉलिड के अंदर, इसको बोलते हैं जेल, क्या बोलते हैं, जेल। अगर आप सॉलिड के अंदर किसको डालोगे, लिक्विड को, तो क्या एग्जांपल क्या होगा आपका, सॉरी सॉल्यूशन क्या होगा, जेल। और एग्जांपल क्या होगा आपका, जेली, या बटर, या चीज, या बूट पॉलिश, या कर्ड जो दही होती है ना, ये एग्जांपल सारे सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर क्या डाला हुआ है, लिक्विड डाला हुआ है। तो जेल वगैरह जो होती है ना, वो सॉलिड में क्या डलता है, लिक्विड डलता है। जैसे जेली है आपका एग्जांपल, बटर है, चीज है, बूट पॉलिश है, कर्ड है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। और सॉल्यूशन का नाम क्या होता है भाई, जेल, क्लियर। नेक्स्ट वन, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इन लिक्विड यानी ये भी लिक्विड हो, ये भी लिक्विड हो। सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, इमल्सन, आगे पढ़े भी गए हम। इमल्सन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। तो इमल्सन का एग्जांपल क्या होता है, मिल्क, हेयर क्रीम, इमल्सिफाइड ऑयल्स या मेडिसिन वगैरह, क्योंकि उनमें क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है। डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम इज ऑल्सो लिक्विड। और एग्जाम्पल का नाम क्या है भाई सॉल्यूशन का, इमल्सन। सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, इमल्सन। एग्जाम्पल क्या आपके, मिल्क है, हेयर क्रीम है, इमल्सिफाइड ऑयल है, या मेडिसिन वगैरह, दवाइयाँ, वो भी इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन भाई, सिक्स टाइप हमारी, टाइप नंबर सिक्स, लिक्विड इन गैस, लिक्विड डिस्पर्स फेज है, गैस क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एरोसोल, क्योंकि एयर के अंदर घोलना है, गैस के अंदर क्या डालना है, लिक्विड डालना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या डालोगे अब, मिस्ट, धुंध वगैरह, फोग, क्लाउड्स, ये आपके एग्जाम्पल होंगे, क्लियर ना। मिस्ट, फोग, फोग क्या होती है हमारी, धुंध वगैरह, मिस्ट है, क्लाउड है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड किसके अंदर, गैस के अंदर, क्लियर।
नेक्स्ट वन है भाई गैस इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर क्या होना चाहिए, गैस। सॉलिड का सॉल्यूशन है तो क्या नाम होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या नाम होगा भाई, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी गैस को डालना किसमें, सॉलिड के अंदर। तो इसका नाम क्या होगा, फोम रबर। फोम की जो रबर होती है ना, फोम रबर, या पुमिस स्टोन, पुमिस स्टोन, पुमिस स्टोन भी बोल देते हैं, पुमिस, पुमिस स्टोन। क्लियर भाई, दोबारा ध्यान दे ले, गैस इन सॉलिड की बात करें, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड के अंदर, नाम सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, फोम रबर, फोम रबर इज एग्जांपल, या पुमिस स्टोन, पुमिस स्टोन। लास्ट वन बच गया भाई हमारा गैस इन लिक्विड, गैस के अंदर क्या डालना है, लिक्विड डालना है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड हमारा नीचे है उसके अंदर क्या डालनी है, गैस। तो इसका नाम होता है सॉल्यूशन का फोम, क्या नाम होता है, फोम माने झाग, फोम नाम होता है। इसके अंदर आप एग्जांपल की क्या दोगे, फ्रोथ, झाग वगैरह जो होते हैं ना, फ्रोथ, या सोडा वाटर, सोडा का वाटर होता है, या सोप लेदर, या सोप का झाग, फ्रोथ हो, सोप लेदर हो, या सोडा वाटर हो, या व्हिप्ड क्रीम हो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर गैस, और एग्जांपल नाम क्या है, फोम। सॉल्यूशन का नाम क्या है भाई, फोम, और फोम के एग्जांपल क्या है भाई, सोप लेदर झाग, फ्रोथ, या सोडा वाटर, दीज आर द एग्जांपल्स। क्लियर भाई, ये हमारे थे आठ टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पे। क्लियर भाई, आपको एक चीज बताता हूँ, नोट करने की बात है, कुछ सॉल्यूशंस के नाम है ना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम होते हैं, किसके आधार पे होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे होते हैं, कुछ सॉल्यूशन के जो नाम होते हैं डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, यानी जिस सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होते हैं ना उसी के नाम पे उनके सॉल्यूशन के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर हो तो वाटर के जो सॉल्यूशन होते हैं ना उनका जो नाम होता है ना वो क्या होता है, हाइड्रोसोल्स होता है। क्या नाम होता है, हाइड्रोसोल्स, या आप उनको एक्वासोल्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक्वासोल्स, क्योंकि एक्वा का मीनिंग भी वाटर और हाइड्रा का मीनिंग भी वाटर, यानी जिनके अंदर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है उनके कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या हो सकता है, हाइड्रोसोल्स भी बोल सकते हो आप, एक्वासोल्स भी बोल सकते हो। क्लियर ना, अगर एल्कोहल है, अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम क्या है, एल्कोहल्स है, तो उसके कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, एल्कोसोल्स। क्या बोल देते हैं, एल्कोसोल्स, एल्कोहल के सॉल्यूशंस हैं, एल्कोसोल्स। क्लियर, अगर आपके पास बेंजीन के हैं, किसके हैं भाई, बेंजीन, अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम है तो उसके सॉल्यूशन को नाम बोलते हैं बेंजो सॉल्यूशंस, तो बेंजो सॉल्स। क्या नाम होता है भाई, बेंजो सॉल्स। अगर एयर का है, अगर एयर डिस्पर्सन मीडियम है तो क्या बोल देते हैं, एरोसोल्स। क्लियर, अगर आपका सॉलिड है तो क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर भाई, अगर आपका लिक्विड है तो क्या बोल देते हैं, ओनली सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्लियर, इस प्रकार से नाम होते हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे कोलाइडल सॉल्यूशंस के नाम है ये। वाटर के ऊपर नाम होता है हाइड्रोसोल्स या एक्वासोल्स, एल्कोहल के ऊपर नाम एल्कोसोल्स, बेंजीन के ऊपर नाम बेंजोसोल्स, एयर के ऊपर नाम एरोसोल्स। क्लियर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये पहले वाला फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, अब हम बात करेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन की। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन किसकी, इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, यानी इंट्रैक्शन डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्सन मीडियम का, उसके आधार पे भी, उसके आधार पे भी कोलाइडल सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया था दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था भाई, टू टाइप्स के अंदर। एक होते हैं हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स, क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स, और दूसरे वाले क्या होते हैं, लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक का एक नाम और होता है हाइड्रोफिलिक भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, और इनका भी एक नाम होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। दो नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब होता है अट्रैक्शन, जो फोर्सेस होते हैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, जो फोर्सेस होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंट्रैक्शन के आधार पे कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में। पहला क्या था भाई हमारा, लायोफिलिक कोलाइड्स, और दूसरा क्या था भाई हमारा, लायोफोबिक। लायोफिलिक इज आल्सो नोन एज द हाइड्रोफिलिक, और लायोफोबिक इज नोन एज द हाइड्रोफोबिक। अब जो लायोफिलिक होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर दोज कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज हैव ए ग्रेट अट्रैक्शन,
particle of dispersed phase have a great attraction toward the dispersion medium. Lyophilic colloid के अंदर या hydrophilic colloid के अंदर ये इस टाइप की colloidal solution होते हैं. These are those colloidal solution in which the particle of dispersed phase have a great affinity या great love towards the dispersion medium particles. यानी इसमें dispersed phase के particle attract होते हैं, किसी तरह attract होते हैं dispersion medium की तरफ. They have great affinity for the dispersion medium. लेकिन lyophobic और hydrophobic में they have no affinity toward the dispersion medium. यानी इनमें क्या होता है, dispersed phase और dispersion medium के particle के बीच में कोई affinity नहीं होती. they do not have any interaction between the dispersed phase and dispersion medium. इनमें कोई interaction नहीं होता. लेकिन lyophilic में जो dispersed phase के particle होते हैं, they have the strong love toward the dispersion medium. क्लियर? इस कारण से ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं. कैसे होते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर. लेकिन ये क्या होते हैं भाई? इरिवर्सिबल. ये क्या होते हैं? इरिवर्सिबल इन नेचर. चलिए मैं इनको कंपैरिजन कर देता हूं. को कई बार पूछ लेते हैं 2-3 नंबर में, एक्सप्लेन द कंपैरिजन बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड्स या हाइड्रोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स या हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स. तो पहला तो कंपैरिजन क्या होगा, दे हैव द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड द डिस्पर्सन मीडियम. इस केस में पहला क्या वो पॉइंट हुआ भाई, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं डिस्पर्सन मीडियम की तरफ. और इस केस में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम की तरफ कोई एफिनिटी नहीं रखते. दे डू नॉट हैव एनी एफिनिटी, नो एफिनिटी, ये स्ट्रॉन्ग. दूसरा पॉइंट, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर. और ये क्या होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर. ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं. तीसरा पॉइंट भाई, दे आर इजिली फाउंड बाई डायरेक्ट मिक्सिंग. दे आर इजिली फाउंड बाई डायरेक्ट मिक्सिंग. अगर आप पार्टिकल को मिक्स करते हो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, अगर आपने डिस्पर्स फेज के पार्टिकल लिए और डिस्पर्सन मीडियम के लिए, इन केस ऑफ लायोफिलिक दे कैन इजिली मिक्स, डायरेक्ट मिक्स हो जाती है. लेकिन दे आर मिक्सड बाई स्पेशल मैथड, इनके लिए हमें स्पेशल मैथड करने पड़ते हैं. दे आर मिक्सड बाई स्पेशल मैथड्स. क्लियर भाई? ये मिक्स तो होते हैं लेकिन स्पेशल मैथड से. क्लियर? उसके बाद इनका जो पार्टिकल होता है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल्स आर ट्रू मॉलिक्यूल्स एंड आर बिग साइज. इनका साइज होता है बिग होता है. लेकिन द पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स. इनके अंदर तो पार्टिकल साइज क्या होता है, बिग साइज होता है, बिग साइज. और ये किससे बनते हैं, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल से, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या कोगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी बोलते हो आप इसको. आगे बताऊंगा कोगुलेशन क्या होती है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होते हैं, दे कैन नॉट इजिली विजिबल. जो आपके जो लायोफिलिक कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं ना, दे आर नॉट इजिली विजिबल. ये कई बार हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते. दे कैन नॉट बी सीन इवन बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. लेकिन दे कैन बी सीन बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. जो लायोफोबिक कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं उनको आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से देख सकते हो, आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो. लेकिन ये आपको दिखाई देने बड़े मुश्किल होते हैं. दे कैन नॉट सीन बाय आल्सो द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते. क्लियर भाई? अगला पॉइंट, इनके अंदर ये हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते. दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते. जो हमारे लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. लेकिन जो हमारे ये पार्टिकल होते हैं, दे विल शो द टिंडल इफेक्ट. ये क्या शो करते हैं, हमारा टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं. कंपेरिजन ये करोगा, जो हमारे लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते. दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. लेकिन ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन पॉइंट, इनके अंदर सरफेस टेंशन. किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस टेंशन की. इनका जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो लोअर होता है डिस्पर्सन मीडियम से. जो हमारे लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, इनका सरफेस टेंशन लोअर देन द डिस्पर्सन मीडियम. इनका क्या होता है, सेम एज अ डिस्पर्सन मीडियम. इनका सेम होता है डिस्पर्सन मीडियम के. और इनका क्या होता है, लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम. यानी द सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स इज लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम.
इनका क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्शन इन मीडियम, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आठवां पॉइंट भाई, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, हाइयर होती है, और इनकी क्या होती है, सेम होती है। दोबारा ध्यान दें, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, द विस्कोसिटी ऑफ द लाइफिलिक सॉल्यूशन इज मच हाइयर, हाइयर होती है डिस्पर्शन मीडियम से। इनकी विस्कोसिटी डिस्पर्शन मीडियम की बजाय क्या होती है, ज्यादा होती है, और इनकी डिस्पर्शन मीडियम की क्या होती है, इक्वल और सेम होती है, क्लियर भाई। और बता चुके थे ये हमारे रिवर्सिबल थे, ये हमारे क्या थे, इरिवर्सिबल थे। तो दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। दोबारा देता हूँ, लायोफिबिक जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज द हाइड्रोफिलिक, लायोफोबिक इज आल्सो नोन एज द हाइड्रोफोबिक, क्लियर। इनके अंदर क्या होता है, दे हैव द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, दे हैव नो एफिनिटी, दे आर रिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल, दे आर मिक्सड बाई डायरेक्ट मिक्सिंग, दे आर मिक्सड बाई स्पेशल मेथड, दे आर बिग इन साइज, दे आर एग्रीगेटेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन नॉट इवन सीन बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते, दे कैन बी सीन बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, दे शो द टिंडल इफेक्ट, क्लियर। देयर सरफेस टेंशन इज लोअर देन द डिस्पर्शन मीडियम, इनकी जो सरफेस टेंशन होती है डिस्पर्शन मीडियम से कम होती है, लेकिन दे हैव द सेम सरफेस टेंशन एज ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। लायोफिलिक कोलाइड पार्टिकल की विस्कोसिटी क्या होती है, हाइयर होती है देन द डिस्पर्शन मीडियम, देयर विस्कोसिटी इज हाइयर देन द डिस्पर्शन मीडियम, इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, सेम होती है, क्लियर। एक पॉइंट बता देता हूं, ये जो पार्टिकल होते हैं ना हमारे, ये जो लायोफिलिक होते हैं, ये काफी स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल इन नेचर, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट स्टेबल इन नेचर। इनको स्टेबल करने के लिए हमें स्टेबलाइजर डालने पड़ते हैं, बाहर से क्या डालने पड़ते हैं, स्टेबलाइजर्स या स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। तो दे आर क्वाइट स्टेबल या दे आर वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बट दे आर नॉट स्टेबल, दे आर स्टेबलाइज बाय द हेल्प ऑफ स्टेबलाइजर्स या स्टेबलाइजिंग एजेंट, क्लियर ये बात। तो ये थे हमारे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, सेकंड क्लासिफिकेशन। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी क्लासिफिकेशन करना है किसके ऊपर, पार्टिकल की टाइप के, कौन सी पार्टिकल भाई, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की टाइप के आधार पे तीन टाइप बनाई गई भाई। पहले वाली थी वही हमारी मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, क्या थे, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, नाम से ही साबित हो रहा है, मल्टी माने बहुत सारे, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। इसमें क्या होता है, वैन ऑन डिसोल्यूशन एटम्स और स्मॉलर मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस जिनका साइज कम है लेस देन 1 नैनोमीटर एग्रीगेट टूगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स इन टू द कोलाइडर रेंज कॉल्ड एज द मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। मल्टी मोलिकुलर में क्या होता है, बहुत सारे कोलाइड्स इकट्ठे होंगे और क्या बना देंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे, और छोटे छोटे पार्टिकल कौन से होते हैं, कोलाइडर से छोटे कौन से होते हैं, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल। यानी इसमें क्या होता है, इट इज ए सोल्यूशन या इट इज ए मिक्सर इन विच टू और मैनी मोर, यानी वह मैनी स्मॉलर पार्टिकल्स, मैनी स्मॉलर साइज पार्टिकल्स एटम आयंस और मोलिक्यूल्स हुज साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर एग्रीगेट और कंबाइन विद ईच अदर, एग्रीगेट विद ईच अदर या कंबाइन विद ईच अदर एंड टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, उस पार्टिकल का साइज किसकी रेंज में होगा भाई, कोलाइडल की रेंज में, क्या कहलाते हो हमारे, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। दोबारा ध्यान दे, इन दिस डिसोल्यूशन या इन दिस सोल्यूशन when many more smaller particles atom ions or molecules whose size is less than 1 nanometer is combined with each other, wo kya honge aapas mein combine honge ya aggregate with each other and convert into the formation of big size particle and this big size particle have the size range into the colloidal particle known as the multimolecular collides, kya kehlate hain, multimolecular collides. For example, सोल्यूशन ऑफ गोल्ड एटम या सल्फर मोलिक्यूल्स, सोल्यूशन ऑफ गोल्ड एटम्स, आप गोल्ड एटम का सोल्यूशन की बात कर लो या किसका भाई, सल्फर मोलिक्यूल्स की, यानी सोल्यूशन ऑफ गोल्ड एटम्स या सल्फर मोलिक्यूल्स में क्या होते हैं,
काफी छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल। तो दीज सॉल्यूशन आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। कौन से भाई, सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड एटम्स या सल्फर मोलिक्यूल्स आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर। इनके पार्टिकल एक दूसरे को हेल्ड करते हैं बाई वीक वंडरवाल फोर्सेज, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेज क्या होते हैं, वीक, तो दे हेल्ड टू ईच अदर बाई द वीक वंडरवाल फोर्सेज। एक बात और बता दूं, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स का नेचर कैसा होता है, लायोफोबिक, लायोफोबिक इन नेचर या हाइड्रोफोबिक, लायोफोबिक करेक्टर या हाइड्रोफोबिक करेक्टर। दूसरा क्या भाई हमारा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स इसके अंदर क्या होता है, एक बिग साइज का पार्टिकल, ए बिग साइज पार्टिकल डिकम्पोज टूट जाएगा, टू और मैनी मोर स्मॉल साइज पार्टिकल। इसके अंदर क्या होता है, एक बड़े साइज का पार्टिकल जिसका साइज बड़ा है 1000 नैनोमीटर से, वो पार्टिकल टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और उन छोटे पार्टिकल का साइज किसकी रेंज में होगा भाई, कोलाइडल पार्टिकल की साइज की रेंज में। इसमें पार्टिकल छोटे छोटे जुड़ के बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, इसमें एक बड़ा पार्टिकल टूट के क्या बनाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल, और उन छोटे पार्टिकल का साइज किसकी रेंज में होगा भाई, कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में होगा। दोबारा ध्यान दे, दीज आर दो सोल्यूशन इन विच बिग साइज मोलिक्यूल्स कॉल्ड एज द मैक्रो मोलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल्स, बिग साइज मोलिक्यूल्स डिकम्पोज इन टू द या डिसोसिएट इन टू द टू और या मैनी मोर स्मॉल साइज पार्टिकल, एंड दीज पार्टिकल साइज रेंज इज एग्जिस्ट इन टू द कोलाइडल रेंज नोन एज द मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स एंड द सोल्यूशन इज नोन एज द मैक्रो मोलिकुलर सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या दोगे भाई सोल्यूशन के अंदर, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं भाई इसके अंदर, स्टार्च का है, सेलुलोज का है, प्रोटीन का है, प्लास्टिक का है। स्टार्च बिग साइज होता है ना, स्टार्च टूट जाए, स्टार्च टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, क्लियर ना। तो स्टार्च सॉल्यूशन है या आपका सेलुलोज सॉल्यूशन है या प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन टूट जाते हैं किसमें, पेप्टाइड्स के अंदर, या प्लास्टिक्स हैं, क्लियर ना। इस प्रकार से दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। ऊपर वाला कैरेक्टर में कैसे था, लायोफोबिक, और ये कैरेक्टर में क्या होते हैं, लायोफिलिक, क्या होते हैं भाई, लायोफिलिक इन नेचर, क्या होते हैं, लायोफिलिक इन नेचर। थर्ड वन, लास्ट वन क्या होता है भाई हमारा, एसोसिएटेड कोलाइड्स। कौन से कोलाइड्स की बात कर रहे हैं भाई हम, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स में क्या होते हैं, एसोसिएट हो जाना। इसके अंदर क्या होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन ए मीडियम बिहेव लाइक द नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन। यानी ये वो सोल्यूशन होते हैं जो लो कंसेंट्रेशन में बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन एट स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेशन यानी हायर कंसेंट्रेशन पे दे फॉर्म द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स या दे फॉर्म द कोलाइडल पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, मिसाइल्स, क्या बोलते हैं, मिसाइल्स बोलते हैं, दीज आर नोन एज द मिसाइल्स। दोबारा ध्यान दें, इनके अंदर क्या होता है, अगर पार्टिकल की कंसेंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, तो दे बिहेव लाइक द नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन कंसेंट्रेशन क्या होती है, हायर कंसेंट्रेशन, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एग्रीग्रेट करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, कोलाइड्स, और क्या बनाते हैं, कोलाइड्स, और उन एग्रीगेटेड कोलाइड्स को बोलते हैं मिसाइल्स, क्या बोलते हैं, मिसाइल्स, मिसाइल्स फॉर्मेशन, क्लियर, क्या होते हैं, मिसाइल फॉर्मेशंस, और उस कंसेंट्रेशन को बोलते हैं सीएमसी, क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन, क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन, सीएमसी, क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन, क्लियर। और जिस टेम्परेचर से अबाव यदि द कॉमन एग्जांपल ऑफ मिसाइल्स आर द क्या होते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट। और मिसाइल के जो कॉमन एग्जांपल होते हैं क्या होते हैं, सोप सॉल्यूशन या क्या होते हैं, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, क्या होते हैं, सोप सॉल्यूशंस या डिटर्जेंट। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं हमारे, सोप्स और डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट, सॉरी। तो हमारा जो था भाई ये वाला पार्ट, इसके अंदर जो एग्जांपल है वो हमारे क्या है, सोप सॉल्यूशन है या डिटर्जेंट। दोबारा बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स की, एसोसिएटेड कोलाइड क्या बनाते हैं, मिसाइल फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच बिहेव लाइक द नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विच बिहेव लाइक द नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लोअर कंसेंट्रेशन। जब कंसेंट्रेशन लो होती है तो बिहेव करते हैं नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन जब कंसेंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक द एग्रीगेटेड मोलिक्यूल्स, एग्रीगेटेड मोलिक्यूल्स नोन एज द मिसाइल्स।
एंड दिस फॉर्मेशन इज नोन एज द CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पे ये होती है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, TK, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या बोलते हैं भाई, क्राफ्ट टेम्परेचर, क्लियर क्या होता है, यानी द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस अबाउ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर जब मिसाइल फॉर्मेशन होती है ना उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, यानी इससे ऊपर होती है। दोबारा ध्यान दे, द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स टेक्स प्लेस अबाउ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो मिसाइल फॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर होती है उस टेम्परेचर का नाम रखा गया है क्राफ्ट टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे जो कंसंट्रेशन होती है उसका नाम रखता है CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। ये पाई किसके जाती है भाई अंदर, या तो आपके सोप सॉल्यूशन के अंदर या किसमें पाई जाती है डिटर्जेंट सॉल्यूशन के अंदर। किस टाइप से होती है भाई, अगर हम सोप सॉल्यूशन की बात करें, इसके मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं भाई, मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल्स, इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा फिर। मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन क्या होता है, हमारे पास सोडियम स्टीरेट ले लिया हमने, C17H35COONA, नाम क्या होता है इसका सोडियम स्टीरेट, होते हैं ना सोडियम पालमिटेट या सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम पालमिटेट और पोटेशियम स्टीरेट, एग्जाम्पल ऑफ सोप, और सोप ही दिखाता है, क्या दिखाता है मिसाइल फॉर्मेशन, सोप या डिटर्जेंट, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, टूटता है C17H35COO- + Na+, ये हमारा स्टीरेट आयन और ये क्या हमारा सोडियम आयन, ये स्टीरेट आयन ये सोडियम आयन। तो इस केस में क्या होता है भाई, हमारे पास ऐसे हमारी बनती है इस प्रकार से मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये हमारा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जो स्टीरेट आयन है, इसके साथ जुड़ा क्या हुआ हमारा सोडियम आयन, क्या जुड़ा हुआ है सोडियम आयन, चलिए ना भाई इस प्रकार से होती है हमारी मिसाइल फॉर्मेशंस, क्या फॉर्मेशन होती है मिसाइल फॉर्मेशंस, क्लियर। दिस इज आल्सो नोन एज द आयनिक मिसाइल फॉर्मेशन, क्या होती है आयंस होते हैं, क्योंकि एक हमारा कैटायन है सोडियम आयन पॉजिटिव है, दूसरा हमारा क्या है एनायन स्टीरेट आयन जो नेगेटिव पार्ट है, क्लियर ना। तो जो हमारा लॉन्ग चेन पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट, आपने पढ़ रखा होगा, इस प्रकार से होता है ये तो क्या होता है हमारा Na पॉजिटिव सोडियम आयन, ये तो क्या होती है भाई हमारी हाइड्रोफोबिक टेल, क्या होती है हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, यानी ये क्या होती है वाटर रिपेलिंग होती है, वाटर से दूर भागती है, वाटर रिपेलिंग, ये क्या होता है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, टेल लंबी होती है हेड छोटा होता है, और ये क्या होता है वाटर अट्रैक्टिंग होता है या वाटर लविंग, वाटर लविंग, यानी ये पार्ट वाटर के पास जाता है, ये हमारा ऑयल डर्ट और ग्रीस के पास जाता है, ये वाटर रिपेलिंग होता है, ये वाटर लविंग होता है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, या इसको आप लायोफिलिक बोल सकते हो, इसको लायोफोबिक, तो ये हाइड्रोफोबिक को लायोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक को लायोफिलिक बोलते हैं, क्लियर। ये हमारा नॉन पोलर पार्ट होता है, कौन सा होता है हमारा ये नॉन पोलर पार्ट, और ये हमारा क्या होता है पोलर पार्ट, क्या होता है हमारा ये पोलर पार्ट, पोलर एंड जो होता है ना आपका वो वाला एंड, क्लियर। तो हमारा जो पोलर एंड होता है वो कहाँ है आउटसाइड है, पोलर एंड कहाँ हमारा वाटर मॉलिक्यूल के पास, और ये हमारा अंदर क्या है नॉन पोलर एंड, कौन सा एंड भाई हमारा ये नॉन पोलर एंड, और ये किसके ऊपर है फैट है ऑयल है कार्बोहाइड्रेट है ग्रीस है इस प्रकार से, क्लियर ना, फैट ऑयल ग्रीस इनके ऊपर होता है, तो इसको बोलते हैं मिसाइल फॉर्मेशन, क्लियर भाई मिसाइल फॉर्मेशन। और ये किसमें पाई जाती है फॉर्मेशन, दो ही चीजों में पाई जाती है मिसाइल फॉर्मेशन, इस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं पहले बताया था मैंने, कंसंट्रेशन इज नोन एज द CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, और ये जहाँ पे एग्जिस्ट करती है जिस टेम्परेचर से ऊपर एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर अबाउ विच मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी वो कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसाइल कंसंट्रेशन होती है, क्या कहलाते हो क्राफ्ट टेम्परेचर, और कंसंट्रेशन क्या होती है CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, किसमें पाई जाती है दो सोल्यूशन में, या तो सोप या डिटर्जेंट सोल्यूशन, क्लियर ना भाई।
तो सोप का एग्जांपल क्या होता है, सोडियम पालमिटेट ले लो या पोटेशियम पालमिटेट, सोडियम स्टीरेट ले लो या पोटेशियम स्टीरेट ले लो, या फिर डिटर्जेंट के एग्जांपल ले लो, डिटर्जेंट के एग्जांपल क्या होते हैं, सोडियम लोराइल सल्फेट होता है, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये हमारा एग्जांपल है डिटर्जेंट का, क्या लिखते हैं इसको, सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट इज द एग्जांपल, किसका एग्जांपल है ये भाई हमारा, डिटर्जेंट का। फॉर्मूला क्या होता है इसका वैसे, CH3CH2 की 11 SO3 ONA, याद रखना ये सोडियम सल्फेनेट आयन होते हैं, सोडियम सल्फेनेटो, और पीछे क्या होती है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। और भी एग्जांपल होते हैं, स्टाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड भी होता है, स्टाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट। क्लियर ना, ये हमारा टॉपिक क्या था भाई, हमारा मिसाइल कंसंट्रेशन यानी एसोसिएटेड कोलाइड्स। नाउ आवर लेक्चर इज फिनिश्ड, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी आप कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाते हो, लायोफिलिक और लायोफोबिक को कैसे प्रिपेयर करते हो, उनके बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक थैंक यू।